कौन सा लगा है और यहाँ पे कौन सा लगा है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि ये वाला एरिया हमारे पास ज्यादा है ब्लेंड करने के लिए। आज से पहले कभी भी किसी ने इस तरीके से नहीं सिखाया इतना समझा करके कि कौन सी ब्रश कहाँ लगती है। हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपने फेस को, ये यहाँ से ईयर है, ईयर से और हम आई से ये लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे सिखाया। यहाँ पे थोड़ी ना हम कंट्रोल करेंगे हम चीक्स। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो मैम, मैं यहाँ जा रही हूँ, जो हमने सीखना था मैंने सीख लिया, बस मैं जा रही हूँ। सीखना था सीख लिया लेकिन अपनी फीस तो पूरी करनी जॉब पे। तुमने पूरी मेकअप की भी क्लास ली है, तुमने सारा हेयर्स का और टोटली सैलून का भी सारा काम सीखा तुमने। सो गाइस, जो स्टोरी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि अगर हम किसी को मेकअप सिखा रहे हैं या सीखने के लिए हमारे पास आ रहा है तो लास्ट में वो हमारे साथ क्या ही करेगा। वो आप देख सकते हैं वो सेम ऐसा ही करेगा। स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि अभी हमारे थोड़े से फीस में प्रॉब्लम आ रही है, घर में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो हम फीस अभी नहीं दे पाएंगे, और लास्ट में वो जब सारा कुछ सीख लेते हैं और उसके बाद में अगर फीस मांगते हैं तो वो यही बोलेंगे कि हमें क्या सिखाया आपने, हमें क्रेडिट नहीं देगा कि हमसे उन्होंने इतना कुछ सीखा और हमारे पास सीखने के बाद उन्हें कुछ आया है। आप देख रहे होंगे ट्रेंडिंग में क्या कुछ चल रहा है कि कोई भी किसी को ये नहीं कहता कि हाँ मैंने वहां से सीखा है, और उसके बावजूद सीखने के बाद और उन्हें सुनने को और मिलता है कि भाई वो अच्छा नहीं कराते हैं, वो बेस्ट नहीं सिखाते हैं।